हम अभी बात कर रहे हैं मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी साहब से, जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से AIMIM के उम्मीदवार हैं। इनसे पहले आपको हम बता दें कि इन्होंने अगला विधानसभा चुनाव में भी जदयू के टिकट से डुमरी विधानसभा सीट से लड़े थे, परंतु इस बार वे AIMIM से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं वे किस पर किन मुद्दों को लेकर के डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद लेंगे। आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार आप ओवैसी जी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सुबह झारखंड में AIMIM जो पहली मर्तबा चुनाव ये पार्टी लड़ रही है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहतरम हुब्बान मलिक साहब की क़यादत में एक ये लड़ाई जो हमारी है, इससे यहाँ के पिछड़े, यहाँ के दलित, यहाँ के मुस्लिम, यहाँ के शोषित, यहाँ के जितने भी जातियाँ हैं उनके जो लोग जो शोषित हैं, वैसे लोग AIMIM को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, अपार समर्थन हमें मिल रहा है, इसलिए हमारी पार्टी का जो मेन मोटो है, जो उद्देश्य है, जो मकसद है कि जुल्मतों में प्यार की शमें जलाना चाहिए, आज हर एक दिल में अपना घर बनाना चाहिए, तोड़ने के वास्ते एक पल दरकार है, जोड़ने के वास्ते लोगों जमाना चाहिए। तो ये पैगाम हमारी पार्टी का है और यही पैगाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर साहब का है। झारखंड में हमारी पार्टी ने सभी जात के लोगों को जो है टिकट दिया है, नुमाइंदगी दिया है, और इस पार्टी को सूबा झारखंड में दबे कुचले लोग, पिछड़े लोग, दलित भाई लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि रघुवर सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल है, इन दलित शोषित लोगों के लिए अभिशाप रहा है? सिर्फ रघुवर सरकार ही नहीं, राज बनने के बाद वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ये नेतृत्व जो राज बनने के बाद से जो आई है, चाहे वो सोरेन की सरकार हो, चाहे हेमंत जी का सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी का सरकार हो, चाहे मधु कोड़ा जी UPA का सरकार हो, चाहे रघुवर जी का सरकार हो, झारखंड नया नवनिर्माण होने के बाद से जो झारखंड सूबे को, यहाँ के लोगों को जिस कदर विकास होनी चाहिए और जिस तरह झारखंड का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ये सारे लोगों से अब तक झारखंड वंचित है। अगर आपकी पार्टी को झारखंड में बहुमत मिल जाए तो ओबीसी साहब के मन में या आप लोगों के मन में झारखंड नव सृजन में के लिए आप लोगों ने क्या मुद्दा बना के रखा है, क्या मास्टर प्लानिंग है आपके पास? हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा मास्टर प्लानिंग हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है, जिस संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। यही वजह है कि संविधान को फॉलो ना करने की बुनियाद पर लोग जो है मर्यादा को मर्यामेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से विकास संभव नहीं हो पा रहा है। अगर विकास चाहते हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के को अगर फॉलो कर ले हमारी क़यादत, हमारे झारखंड की सरकार, तो ना यहाँ पिछड़े, दलित, ना आदिवासी, ना स्वर्ण जाति के लोग एक दूसरे के तई मोहताज रहेंगे और ना ये राज्य मेरा पीछे रहेगा। क्योंकि आप डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय मुद्दा क्या क्या आपके नज़र में दिख रहा है, जिस मुद्दों को आप, अगर आपको विधायक यहाँ की जनता बना देती है तो क्या, मतलब प्राइमरी मुद्दा क्या है, यहाँ की समस्या, प्राइमरी समस्या क्या है जिसको आप निदान कर पाएंगे?
यहाँ का जो समस्या है, यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, यहाँ कोई उद्योग नहीं है। जब से राज बना है तो ये डुमरी एक ऐसी सीट है जो चारों तरफ से पहाड़, जंगल, खनिज संपदा से अपार जो है पूरा डुमरी विधानसभा, कोयला, बगल में कोयला है, अबरक है और बगल में ही तांबा है। तो ये सब चीज़ें अगर झारखंड में डुमरी को अगर देखा जाए तो डुमरी में बड़ी बेरोजगारी है और लोगों जवानों की पलायन हो रही है, यहाँ रोजगार का कोई स्रोत नहीं है, यहाँ कोल्ड स्टोरेज का कोई व्यवस्था नहीं है और जो भी विकास के नाम पर यहाँ काम हुआ है ये फाइलों में दिखता है, ज़मीनों पर नहीं दिखता है। लोग कहते हैं कि विकास डुमरी में हो गया है, लेकिन उन विकास को देखने के बाद वैसे लोगों को मैं चाहूँगा कि एक मरतबा प्रेम और श्रद्धा के साथ आप डुमरी क्षेत्र के जो है उन गाँव पर जाकर के देखिए जहाँ आज तक भी सड़कें नहीं बनी हुई हैं, आज तक चेक डैम का निर्माण नहीं हुआ है, आज तक सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है, आज भी पानी के लिए लोग तराही माम कर रहे हैं। तो ये बेपनाह जो है यहाँ अपार जो है समझिए कि समस्याएँ हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पलायन है। अगर हम यहाँ से अगर MIM यहाँ से ये सीट अगर जीतती है तो फिर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बहुत सारा प्रोग्राम है तेलंगाना के तर्ज पर, हैदराबाद में जो तेलंगाना है उसके तर्ज पर वहाँ के आप विकास देखिए, वहाँ जो काम करने का शैली देखिए, वो सारा पूरा मोटो और पूरा सिस्टम झारखंड में उतारने का लक्ष्य है। तो ये थे मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी जी के साथ हमारी वार्तालाप। तो इनके अनुसार से अगर AIMIM झारखंड में चुनाव जीतती है और बहुमत मिलता है इन्हें, तो तेलंगाना के तर्ज पर झारखंड का भी विकास होगा और साथ ही साथ डुमरी विधानसभा क्षेत्र का जो मूलभूत समस्या है पलायन में भी लगाम लगेगा।